हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आया हूं एक अपने घर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर पे एक तजिया बना है, जिसका लागत कम से कम 20 से 25 लाख है। सुनने में आया कि 20 से 25 लाख के लागत में तजिया बन रहा है, बहुत विशाल तजिया बन रहा है। तो हमने फिर सोचा, तो मैं सुबह में 10 बजे निकल चुका हूँ और इस टाइम 1 बज रहा है। तो काफ़ी बारिश आने के कारण ये मौसम भी देख सकते हैं कैसा मौसम है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, बारिश का संभावना भी ज़्यादा है, बादल भी लगी है। तो मैं आया हूँ तो अपने एक दोस्त के घर रुका हूँ, उसके बाद से फिर सोचा हूँ कि यहाँ से चला जाए। और भाई इतना इतना ज़्यादा इस पे ये है ना, क्या बोलते हैं, जाम है। लगभग 5 किलोमीटर दूर तक पूरा जाम ही जाम है, कहीं जाने का कोई चांस ही नहीं है। 5 से 6 किलोमीटर दूर पे ही अपना मतलब कि ये गाड़ी रखना पड़ रहा है। यहाँ से तजिया लगभग 4 किलोमीटर दूर है, मैं चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये एकदम बैकवर्ड एरिया में इस टाइम हूँ, तभी देखिए गाड़ी कितना जा रहा है। ये लोग देखिए, पूरा मेला करने के लिए लोग ही जा रहे हैं। बहुत ही विशाल तजिया बना है और बहुत ही फेमस तजिया है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और मैं चल रहा हूँ, मैं मेरे साथ में कुछ मेरे दोस्त भी आ गए यहाँ पे, ये खड़े हैं लोग, 3 से 4 लोग हैं। तो चलिए उनसे भी मिलवाते हैं। इश्ताक भाई, हेलो, और ये सद्दाक भाई, तो इनसे मिलिए, बताइए कुछ। हेलो भाई, देखिए तजिया तो बहुत जगह देखा, लेकिन ऐसी तजिया पहली बार देखा। बहुत ही विशाल तजिया बनाई है, बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक भी है। और रही बात इसमें दूरी की, तो कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर है। कैसे हम किस हमारे गांव से, ये भी बताइए। और रास्ता तो ठीक ठाक था, लेकिन गांव का जो रास्ता है बहुत बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है गाइस, क्योंकि बारिश का भी देख रहे मौसम है। मौसम थोड़ा सा मिस्टेक है, कभी भी बारिश आ सकती है, ठीक है। और रही बात इस ताजिए में, तो ताजिए में 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा, लगभग 50-60 लाख रुपए का इसे खर्चा है। लगभग इस मेले में लगभग 2 से 3 लाख लोग आए हैं, उससे कम नहीं, 2 से 3 लाख आए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या बताया। अरे इतना ज़्यादा भीड़ है गाइस कि उसमें आप हम लोग चल नहीं सकते ठीक से, बहुत परेशानी से आए हैं। तो फिर चलते हैं, आप लोग को मेले में दिखा रहे हैं ताजिए कैसा है क्या है, फिर मिलते हैं, ठीक है गाइस। निकल रहे लोग मेला के लिए, और ये इनको तो आप जानते होंगे। ये देखिए हमारे गांव, ये देखिए गाइस, ये देखिए पूरा जाम ही जाम हो गया गाइस, काफी ज्यादा जाम है गाइस। ऑटो से सपोर्ट और शेयर करते रहिएगा। यहाँ से लगभग कितना दूर है यहाँ से मेला? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बता रहे, 1 किलोमीटर गाइस, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर का लगभग पड़ेगा, टाइम लगेगा। चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, गर्मी तो भी ज्यादा है, इनको देखिए कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा है गाइस। और थोड़ा मौसम ये बहुत ज्यादा, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तजिया माना जा रहा है न्यूज चैनल पे। हाँ, सिंहा गांव में, सिंहा गांव में, ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हिंदू मुस्लिम सब एकता, ये कोई एकता बहुत ज्यादा है, मिल के मतलब ये ताजिया इलाके। सुनने में आया कि अभी चल रहे लोग यहाँ, देखिए मतलब सारे लोग आ गए। हाँ, 1 किलोमीटर होगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। ये देखिए चारों तरफ पूरा, ये देखिए लोग, ये देखिए बैठे हैं, खचाखच भीड़ है भाई मेला में, बहुत बड़ा मेला लग रहा है यहाँ पे। 2 से 3 लाख लोग आ रहे हैं इस मेले में, काफी दूर अभी आ रहे हैं यहाँ से, उत्तर प्रदेश के हर जगह से मतलब यहाँ लोग आ रहे हैं, यूपी और बिहार के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कौश गाड़िया गाजियाबाद की भी देखे हैं लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं आप तो भीड़ देख सकते हैं कैसा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अभी लगभग 1 किलोमीटर से ही पूरा एकदम पूरा जाम हो, वहाँ से मतलब अंदर नहीं जा सकते, पैदल ही लोग जा सकते हैं, उसके ऐसे गाड़ी लेके नहीं जा सकते। ये देखिए आपको, आपको नज़ारा मिलेगा देखने के लिए, अच्छा अच्छा आप लोग वीडियो में बने रहिएगा भैया, अच्छे अच्छे कदमों से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये बाप रे, इतना ज़्यादा भीड़, हम लोग तो इस रास्ते से आए हैं लोग, और इधर हम लोग को जाना है लगभग यहाँ से। अभी जो ये पुल दिख रहा है, ये जो पुल दिख रहा है, हम लोग को वहाँ जाना है। अभी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, पूरा रास्ता जाम हो गया है, और हम लोग चल रहे हैं, देखिए ये गाइस, चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, यहाँ दूर दूर तक पूरा गाड़ी ही गाड़ी दिख रहा है। यार कितना ज्यादा भीड़ है यार, पीछे 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 घूम जो।
तो गाइस आप देख सकते हैं, आपको मैं ऊपर से दिखाया हूँ कितना ज्यादा भीड़ है और आप कितना ज्यादा गर्मी हो रही है ना, क्या बताएं गाइस कि बिल्कुल पसीने से भीग गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, हद से ज्यादा गर्मी हो गई। इस रोड के इस साइड भी, उस नहर का उस साइड भी लोग कितना ज्यादा भीड़ देखिए, आप देख सकते हैं लोग काफी भी है यार। 2 से 3 लाख मैं बोल रहा था, 2 से 3 लाख नहीं लगो, यहाँ सबसे ज्यादा 4 से 5 लाख का यहाँ पे भीड़ है बताया जा रहा है। लोग अभी यहाँ से तलिया भी आधा किलोमीटर है और ये पीछे गाड़ियाँ बस हर चीज आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, देख ही रहे हैं। ये देखिए ये से लगभग ऐसे ही भीड़ लगभग 1.5 किलोमीटर का, अभी 1.5 किलोमीटर हम लोग चल के आ रहे हैं लोग, अभी यहाँ से आधा किलोमीटर और है। और ये जो नहर है ये नहर नेपाल से आ रही है ना, नेपाल से 25-30 किलोमीटर होगा नेपाल यहाँ से, 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये बड़ी वाली नहर है और ये नेपाल से आ रही है और इधर बिहार जा रही है। काफी थक गए हैं लोग, फिर भी अभी नहीं आया यार, कितना दूर है यहाँ से यार, अरे कितना दूर है यहाँ से, अभी आधा किलोमीटर, अरे आधा किलोमीटर भी जाना है, कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा जाने में। अभी तो लगभग आधा घंटे से हम चल ही रहे हैं लोग, अभी चल ही रहे हैं, अभी आधा किलोमीटर चल रहे हैं, अभी आधा 10-20 से 25 मिनट लगेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20 से 25 मिनट लगेगा। ट्रॉली ट्रैक्टर बस ट्रक से इतना ज्यादा लोग आए हैं, लोग सब काफी दूर, जितना बता सकते उतना ही कम है। देखिए लोग को, हमें तो लग रहा था कि 2 से 3 लाख का ही भीड़ है, यहाँ तो आने के बाद से पता चल रही बाप रे इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस, और 4 से 5 लाख से बेसी का ही है। तो गाइस अब मेले के करीब में आ गए हैं लोग और यहाँ से अब इसका तजिया की भी आवाज़ सुनाई दे रही है जी, माइक की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, हमको लग रहा है कि अब मैं मेला में आ चुके हैं लोग, तो तजिया के पास आ चुके हैं लोग। और ये जो पुल दिख रहा है, ये जो पुल दिख रहा है, यहाँ से किधर जाना है, लेफ्ट जाना है यहाँ से, मतलब कि ये बाएं की तरफ जाना है, उसके बाद से अभी तो मालूम नहीं किधर तक तजिया है, अब चल रहे हैं दिखा रहे हैं। यहाँ काफी दूर दूर से लोग भी आए, आपको पहले ही बता चुके हैं लोग कि नेपाल से इधर लखनऊ गाजियाबाद मुरादाबाद के साइड से भी आए, बिहार उहार दरभंगा यहाँ तक पटना के भी लोग आए लोग, ये स्टेट लेवल का सबसे बड़ा तजिया है दोस्त। ₹5 हमारी आवाज़ तो सुन रहे हो, तो ताजिया के मेन गेट के सामने ताजिया के गेट के सामने गौरावर के ग्राम गाँव अगर हमारे काफी पुल का हालत खराब है, ये देखिए चप्पल कितना टूटा है सर, काफी ज्यादा एक जरूरी सूचना है, अंदर जो कोई भी मदीना का यूज करके जा रहा है पकड़े जाने को बंद करवा दो, कोई भी बंदा अंदर मदीना का यूज करके ना जाए, बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है थ्रू बंदर कीचड़ काचड़ हो गया गाइस, देख सकते हैं इतना कीचड़ है, यहाँ देखिए चप्पलों की कितना ज्यादा चप्पलें टूटी है, और ये आप इस चप्पल से भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा आ रहा था, आप देखें कितना कचरा हो गया है, बारिश के टाइम इसकी वजह से ज्यादा कचरा हो रहा है।
तो मैं अब लेकर चल रहा हूँ तजिए दिखाने के लिए, जिस तजिए को हम लोग देखने के लिए इतना दूर से आए हैं, जिस तजिए को देखने के लिए हम लोग इतना दूर से आए हैं, मैं चल रहा हूँ। ये देखिए गाइस, काफी बड़ा ताजिया है। ये देखिए बारिश आने के कारण ये कुछ खराबी हो गई, इसमें कागज गल गया, काफी बड़ा है। रोड की हाल कुछ ऐसी है, ये देखिए, मैं आपको अच्छे से चारों तरफ से घुमा नहीं सकता हूँ कि रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं काचड़ काचड़ हो गई है पूरी, और ये इसके ताजिया के पीछे का है। देखिए ताजिया तो बहुत बड़ी है दोस्त, बहुत ही बड़ी है, और इसका लगा तो वाकई में है, लगा होगा जितना बताया जा रहा था उतना तो लगाया गया होगा। बहुत ही बड़ा ताजिया देख सकते हैं आप, इसका कई खंड है। और ये देखिए, ये देखिए गाइस, इतना बड़ा ताजिया कि मैं ये स्क्रीन में पूरा आ नहीं रहा है। भारत माता के जहाँ भी हो, आपके मामा इंतजार कर रहे हैं। मेरे गेट के पास है तेरा हिराल माता के, जहाँ भी हो सब देश के लिए हो आपके पास। बहुत ज्यादा आइड है, चार चार किरान मिलकर उठाए लोग। अंदर ताजिए के अंदर जाने के लिए भीड़ दिखी, नीचे का कुछ यूं हाल है, क्योंकि काफी मुश्किल से अंदर आए हैं लोग, अंदर जगह नहीं है, इसकी वजह से अंदर नहीं आने दे रहे लोग। बारिश की कड़ा रही है, वो जो तजिया का पन्नीके हैं वो नीचे चल गई है। मैं अंदर चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तजिया के अंदर। कैमरा अंदर अलाउ नहीं था, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। बाकी अब ये हाल देख सकते हैं, ये हाल देख सकते हैं। देखिए भाई साहब कैसे लोग पैर, देखिए ये हाल हो गया यार, अरे भाई पूरा पानी पानी हो गया, सबका सूज खराब हो गया। क्या कीचड़ है यार, इसी कीचड़ में लोग आके तजिया देख रहे हैं। वीडियो बनाने वाले लोग, ये देखिए गाइस, काफी भीड़ भी है,
आप देख सकते हैं यार, जितना भीड़ है उससे ज्यादा कीचड़ है यहाँ पे। मैं तो सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे आए आप, अभी दो से तीन दिन के बाद ही आए, काफी भीड़ है और काफी कीचड़ काचड़ है यार। इधर ये गड्ढा में है ना, ये इधर साइड में नहर है, इसकी वजह से यहाँ ज्यादा पानी आ रही है। ये जो पुल दिख रहा है, हम लोग इसी के पार करके और यहाँ पे एक करबला के बोलते हैं, जो मुस्लिम समाज में करबला बोला जाता है, तो यहीं पे एक तजिया को रखा गया है। काफ़ी बड़ा तजिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मेला लगाने में काफ़ी 50-60 लाख लगा होगा, क्योंकि मैं मान सकता हूँ इतना भारी मेला मैं अभी तक शायद नहीं देखा था। भाई मैं चलते हैं जिस जगह पे हम लोग रुके थे वहाँ पे, चल के आपसे बात कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। भाई जो मैं मेला से बाहर निकल चुका हूँ और जिस रास्ते से मैं गया हूँ उस रास्ते से नहीं आ रहा हूँ, काफ़ी उस रास्ते में भीड़ था और ये रास्ता कुछ ऐसा है कुछ ऐसा रास्ता है क्योंकि बारिश आ गई, इसकी वजह से ऐसे हो गया। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर, तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई। अब देख सकते हैं ये देखिए, पूरा अच्छे तरीके से हालत ख़राब हो गई है। और तजिया तो काफ़ी बड़ी है, बट एक चीज़ उसमें जैसे बारिश आने के कारण पूरा कागज़ उसका गल गया। बाकी में मेला लगा है जितना बताया जा रहा था, लगभग लगा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट हालत तो इतनी ख़राब हो रही है ना बारिश आने के कारण, उसमें जो पानी लग गई है और पानी वही पानी में पूरा कीचड़ काचड़ हो गई, जैसे धान लगाया जाता ऐसे ही हो गया है। तो सबका सूज ये हर चीज़ ख़राब हो जा रहा है और चप्पलें उसमें इतना ज़्यादा टूटी हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग आएँ तो दो तीन दिन के बाद ही आएँ, तब तो ठीक रहेगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी। अभी तो बहुत ज़्यादा, लगभग 3-4 लाख है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और कोई ख़ास चीज़ नहीं था तजिया में, इतना तजिया तो बहुत बड़ी है, बट ये जो बारिश आने के कारण कागजे गल गई है, इसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छे तरीके से मैं इसलिए नहीं देखा पाया हूँ कि पूरा कीचड़ था और पैर स्लिप खा रहा था, इसकी वजह से मैं नहीं देखा पाया हूँ कि कैसे कैसे तजिया चारों तरफ से नहीं घुमा पाया हूँ। सर आपको देखे हैं चारों तरफ से पानी ही पानी था। तो अब मैं टाइम लगभग 4:30 लगभग हो रही है, तो मैं अब चलूँगा घर। उसके यहाँ से लगभग मेरा घर है 40 किलोमीटर, तो जाने में भी टाइम लगेगा और बारिश का भी टाइम है। इस टाइम तो धूप है, हल्का धूप लग रहा है, बट मौसम तो देख ही रहे हैं, बरसात के टाइम है तो बारिश तो होगा ही। बाकी सब यही था, और तो फिर एक नए वीडियो में नए दिन के साथ मिलेंगे आपसे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।